सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन आईपीएस रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन जयपुर अध्यक्ष, श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की, श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सनमत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर, मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार, कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की, डॉक्टर अंजलि जैन धर्मपत्नी, श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर, परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया, श्रीमती रामप्यारी बाई, समस्त परिवार मुगावली, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर अजमेर, श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधु श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली, प्रतिदिन आहार में फल व दूध की व्यवस्था, श्रीमान निर्मल जैन अहमदाबाद, शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया, श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील जैन, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली द्वारा कमरे का निर्माण, श्रीमान सज्जन राज, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, साइदा पेट, चेन्नई। कई वर्षों के बाद महावीर जी में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। हम त्यागी मुक्तियों का विकल्प होता है कि जब कहीं जाते हैं शुद्ध भोजन की व्यवस्था कहाँ हो कहाँ ना हो, और हमने जब पता लगाया तो लोगों ने बताया कि यहाँ आरिका षष्ठी भूषणी माता जी ने एक शुद्ध त्यागी मुक्तियों को आहार की व्यवस्था की है, जिसका नाम दिया उन्होंने आदि सृष्टि मंगलम समिति के द्वारा संचालित है। यहाँ आकर के हमने देखा, भोजन किया, आहार किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये दुनिया के जितने भी दानदाता हैं ये करोड़ों की मोलियाँ लेते हैं, करोड़ों रुपये दान करते हैं, लेकिन त्यागी मुक्तियों के प्रति उनकी सद्भावनाएँ क्या रहती है ये समझ में नहीं आया। हम तो कहते जैसे माता जी ने शिखर जी में किया, माता जी ने महावीर जी में किया, ऐसे हर साधु के लिए जो भी क्षेत्र बनाते हैं क्षेत्रों पर आहार की व्यवस्था सबसे पहले करना चाहिए, ताकि कोई त्यागी व्रति आए तो उनके व्रतों का पालन अच्छे से हो सके और भगवान की भक्ति भी अच्छे से कर सके। ये आदि षष्ठी भूषण मंगलम जो समिति है, इस समिति को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के पावन चरणों में ये बात रखूँगा कि आज ऐसी महावीर जी में उनके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि त्यागी व्रतियों के भोजन की व्यवस्था वहाँ पर कर दी गई, और जहाँ लगातार हमने दो दिन तक भोजन किया, ऐसा सुस्वादिष्ट भोजन और समर्पण के साथ में इस समिति ने जो त्यागी व्यक्तियों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की, वो साधुवाद की बात है। धन्यवाद सबको, सादर जय जय। किसी के दिल को मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारी माफी मांगने के बावजूद भी कुछ कसक रह जाती है, जैसे कि दीवार में कील ठोकी जाए तो निकालने के बाद भी कुछ चीज रह जाती है। कहते हैं जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है, हमें ऊंचा सुनाई देता है। धर्म की शुरुआत मात्र हाथ की माला फिराने से नहीं होती, दिल को बड़ा करने से होती है। लोग मंदिर बड़े बना देते हैं लेकिन दिल बड़ा नहीं बन पाता। दिल को इतना बड़ा बनाओ कि सत्येश मैत्री गुण सो प्रमोदम क्लिष्टे सुजीवे सुकृपा परत। और क्या कहते हैं कि माध्यस्थ भावम विपरीत व्रतव, इतना दिल में आ जाए कि सत्य से मैत्री, क्योंकि जब प्रेम प्रेम होता है तो कैद होता है, लेकिन जब प्रेम ऊपर उठ जाए तो प्रार्थना हो जाता है, और जब और चरम सीमा पर पहुंच जाए तो परमात्मा हो जाता है। लेकिन प्रेम अपने स्तर से नीचे उतर जाए तो वासना हो जाता है। जैसे आपको पता है पानी पानी होता है,
पानी ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, पानी पानी होता है। लेकिन तुम्हारे घड़ों में आ जाए, तुम्हारे कलश में आ जाए, तो पानी क्या हो जाता है? हिंदू और मुसलमान हो जाता है। धर्म भी, क्योंकि कहते हैं आज गुलिस्तान ने, आज गुलिस्तान को माली ने लूटने की कोशिश की है, आज आसमां को सितारों ने लूटने की कोशिश की है। अरे धर्म तो स्वच्छ आकाश जैसा शांति चाहता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। हम धर्म के नाम पर मान्यताएं, संत पंथ ग्रंथ, ना जाने किन किन बातों पर लड़ लेते हैं। लड़ाई में कोई अंतर नहीं होता, ध्यान रखना। हम धर्म की लड़ाई लड़े या कर्म की लड़ाई लड़े, क्योंकि कल तक नोट गिनते थे, आज माला गिनने लगे। अंतर नहीं हुआ, गिनना गिन नहीं रहा। कल तक भोग मांगते थे, आज स्वर्ग मांगने लगे। आदमी बड़ा बेईमान है, जिंदगी भर धंधा करता है, मरने के टाइम में भी धंधा करता है। बोला धंधा तो बचा नहीं, स्वर्ग ही चलो, वहां बिना कमाए सब कुछ मिलेगा। अरे हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम मोक्ष जाएंगे, क्योंकि हम मांगने की नहीं, हम दान की परिभाषा जानते हैं, और हम भोगने की नहीं, हम त्याग की परिभाषा जानते हैं। किसी ऐसो आराम की जिंदगियां किसी और के दे दो, हम तो समर्पण और प्रार्थना की जिंदगी जानते हैं। हम तो समर्पण और प्रार्थना की जिंदगी जानते हैं। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा, जो मंदिर हमको दे देगा। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अपना थर्मामीटर तुम्हारे पास है, कि तुम स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। जरा सा किसी ने उपास नहीं कर पाए, बोले तो जीवन में कुछ करती नहीं है। अरे क्या करना, उपास भी कोई करने की चीज है? उपास हो जाता है जब आप किसी के प्रेम में डूबते हैं, तो उसके आए बिना आपको खाना भाता नहीं है। ध्यान रखना, हम परमात्मा के प्रेम में इतने डूब जाएं कि खाने का ख्याल ही नहीं आए। एक बार कुछ स्त्रियों को नदी पार करना थी, कहते हैं कृष्ण जी के पास जा रही थी गोपियां, और नदी चढ़ी थी, एक फकीर बैठा था। उन लोगों ने कहा हमको जाना है, लेकिन नदी चढ़ी है। उसने कहा कि जाओ, तुम कहना कि यदि बुद्ध या कृष्ण जन्म जन्म के उपासे हो तो मुझे रास्ता दे देना। तो कहते हैं नदी ने रास्ता दे दिया। उनने कहा और नदी ने रास्ता दे दिया। वो लोग कुछ भोग लगाने ले गई थी, वहां खिलाया, वो तो सब खा गए, कृष्ण जी सारा खा गए। उसके बाद अब औरतों को वो चले गए वहां से। फिर औरतों ने सोचा कि क्या बात है, अब हम लोग कैसे जाएंगे? उस समय तो कह दिया उपासे हो तो नदी रास्ता दे दे, अब क्या कहेंगी, अब तुमने खा लिया। फिर उधर भी एक संत बैठा था, उससे पूछा अब हम क्या कहें, कैसे जाए, नदी चढ़ी है। उनने कहा फिर कह दो कि जन्म जन्म के उपासे हो तो वो रास्ता दे दे। उनने कहा अब कैसे झूठ बोला जाएगा, हमने अभी तो उनको सारा खा गए, वो हम जितना लाए थे। तो कहते हैं कि उनने कहा कहो तो सही, ऐसा कहा तो रास्ता दे दिया नदी ने। आप सोचेंगे खा गए थे फिर रास्ता क्यों दे दिया? योगी खाता हुआ भी खाता नहीं, चलता हुआ भी चलता नहीं, और बोलता हुआ भी बोलता नहीं। बोले तो अच्छे काम के लिए बोलता है। लोग कभी कभी आप अपनी बुद्धि से काम लेते हो, क्योंकि तुम्हारा मन तो काम ही नहीं करता, और बुद्धि हमेशा व्यापार के बारे में सोचती है, कहां से कितना मिलेगा। ये मत सोचो, सागर कभी उबाल नहीं लेता है, सागर में कभी बाढ़ नहीं आती है, क्योंकि सागर गहरा है, प्रशांत महासागर 5 किलोमीटर गहरा है। आप सोचो सागर गहरा है इसलिए नदियों को समा लेता है। कभी भी आपने देखा होगा पानी प्याली में डालो या चाय डालो तो ऊपर हो जाती है, क्योंकि छोटी है उतना ही आता है। हमारा दिल भी प्याली की तरह हो गया है। हम सत्य से मैत्री की बात करते हैं, लेकिन सब प्राणियों में मैत्री नहीं है।
अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। सच बताना, आप यदि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो, सब प्राणियों पर मैत्री भाव चाहते हो, किसका भला चाहोगे? हिंदुस्तान का। और यदि हिंदू मुसलमान में हो जाए तो हिंदू का, और हिंदू जैन में हो जाए तो जैन का, और जैन जैन में हो जाए तो अपने घर का, और अपने घर में भी अपनी और बेटे बहू की हो जाए तो फिर अपना, और अपने सिर और पैर की भी बाजी आ जाए तो फिर किसका? सिर और पैर में से एक को काटना हो तो किसको काटोगी? पैर को काटोगी। बोले सिर तो बचा रहेगा। अरे सिर बचा रहे, लेकिन सिर क्यों बचा रहे? सिर तो एक दिन जाएगा, सिर तो एक दिन जाएगा, शमशान की आहुति चढ़ जाएगा। और जिस दिमाग को तुमने भक्ति के डंडे नहीं लगाए, उसे लोग डंडे मार मार के फोड़ेंगे। ध्यान रखना, साधु की खोपड़ी नहीं फोड़ी जाती है, श्रावकों की खोपड़ी फोड़ी जाती है। और साधु होना बहुत आसान है, साधु बनना बहुत आसान है, लेकिन साधुता नहीं। प्रत्येक क्षण सोचो, हम रोज बोलते हैं 84 लाख योनियों में, इसी जिंदगी में, हमारी और आपकी जिंदगी में, सच पूछो, जिंदगी की इतनी कहानियां हैं कि दिल कांप जाता है। माँ ने बच्चे के जन्म के समय कितनी वेदना सही, और वही बेटा कहता तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। कभी कभी बेटा अपनी माँ को बिल दे देता है कि आपकी लाइट का बिल है। हमने कहा वो एक रात का बिल दे देगी ना तो तेरे पसीने छूट जाएंगे, जिंदगी भर की कमाई से एक रात का बिल नहीं चुका सकते। लेकिन हम ऐसे हम रोज पढ़ लेते हैं, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उरी आवे, गुण ग्रहण का भाविर नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ध्यान रखना, आप कहते हो कि मित्र हमें याद रहे, सच बताना दुश्मन कितने याद हैं। मित्र तो एक जरा सी बात आपसे बोल दे, मित्रता टूट जाती है, लेकिन दुश्मन बोल दे तो दुश्मनी की बात नहीं टूटती है। लोग कहते हैं माता जी उसने ऐसी बात ही बोल दी कि उससे क्या बात करें। हमने की बात ही तो बोली थी, यदि सिद्धांत बड़ा होता तो ये पुद्गल वर्णाए उन्मज्जंती निमज्जंती जल का लोल बज्जले, बोली कानों से टकराई और समाप्त हो गई। हम नहीं ले तो क्या मतलब है? आप हमें गाली दो, आपने देना आपका काम था, लेना या नहीं लेना मेरा काम था। क्योंकि घर में इतना सामान लाते हो, देखते हो रखना या नहीं रखना। कचड़े को तो कहते हो देखते ही फेंक देते हो, फिर उस कचड़े को क्यों ले आते हो अपने दिमाग में जो तुम्हें 10-20 दिन परेशान करे। कभी कभी लोग कहते हमारा तो दिल फट गया। हमने कहा दिल कोई फटने की चीज है क्या? कपड़ा जो फट गया? अरे दिल तो दिल होता है, एक बार मिल जाए फिर बेमेल नहीं होता है। लोग कहते हैं माता जी हम श्रावक में रहकर क्या काम करें। हमने कहा खाने बैठो तो स्वतंत्रता सेनानी की तरह सोचो कि मैं खा रहा हूं, कोई भूखा तो नहीं है। मंदिर आओ तो सोचो मैं मंदिर जा रहा हूं, कोई मोहताज लाचार तो नहीं है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा आपसे कोई पूछ ले आप बाहर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी में जगह है क्या, तो आप उसे प्यार से नहीं कहते हो कि चलना ले चलेंगे, आप भी चलना। आप कहते हो ये बेकार पूछ रहे, हमारी गाड़ी तो फुल है। अरे तो अच्छे से भी तो बोल सकते हो तुम। नहीं, तुम्हारे बोली में जहर घुलता है। तुम किसी से भी इतने अभिमान से बोलते हो और फिर उत्तम मार्दव धर्म की माला फेर लेते हो, क्या मतलब निकला? अरे माला फेरो या नहीं फेरो, मन को फेरो। मैं कहती हूं कि मन को फेर लोगे, किसी से हमारी कोई बात किसी को चुभ जाए, हमारा कोई व्यवहार किसी के घर में दिक्कत पैदा करे। मान लो पति पत्नी में से कोई एक है, अपन उसके सामने इतना ओवर दिखाते हैं कि उसको जरूर महसूस देता है कि हम अकेले रह गए। मैं हमेशा कहती हूं यही सब क्रियाएं छोटी छोटी बातें कि बेटा आता है बहू से पूछ लेता है क्या लाऊं। अरे माँ बैठी है, माँ से पूछो कि बेटा माँ क्या लाना है। क्योंकि पहले बेटा माँ को आवाज लगाता था, आज आता है तो सीधे बीबी को आवाज लगाता।
ध्यान रखना, वही माँ बाप हैं जो कि कुछ लाते थे तो खुद नहीं खाते थे, बच्चों को खिला देते थे, और बेटा लाता है तो सीधे अपने कमरे में ले जाता है, और पत्नी कहती है आप हमें बहुत चाहते हो। मैंने कहा मनोवती का चरित्र पड़ा होता, जिस सास ससुर ने दहरी पर पैर नहीं रखने दिया, पहली विदा से दूसरी विदा नहीं आने दिया और घर से निकाल दिया, 7 दिन भूखा रहना पड़ा, उसके लिए भी मनोवती जब वो मजबूरी के मारे आते हैं, क्योंकि कहते बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं, मतलब की दुनिया होती है वहां कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। तो कहते हैं कि जब वो मजदूरी कर रहे थे वहां पर, माण जो नाली में डाला जाता था उसको खा रहे थे, कहां गज मुक्ताओं के कोठे भरे थे, लेकिन जिनेंद्र देव की अवहेलना कर दी तो कोठे भी कोयला हो गए, घर की संपत्ति समाप्त हो गई, पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार जिसके यहां जाते थे वो ही पूछता था कि कब जाओगे आगे, कब जाओगे आगे। तो ध्यान रखना इस प्रकार से, लेकिन वो सास दासी का काम कर रही थी, और कहते हैं कि जब पता चल गया उनको, मनोवती की सास बोली मेरी बहू के भी सिर में ऐसा ही निशान था। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119013002429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02121011777, IFSC PUNB 00212000। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003।